हेलो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जब हम सिलाई करते हैं सिलाई मशीन की, ये देखिए सिलाई कैसी देती है। देखिए कहीं कहीं गाना दाना दे रही है और ये सिलाई भी सही नहीं दे रही। देखिए जहाँ पे भी टाका लग रहा ना, वहीं पे ऊपर का जो धागा सफ़ेद है और नीचे का जो है लाल है, वो अलग दिखाई दे रही है सिलाई। ये मशीन जो है सिलाई सही नहीं दे रही है। देखिए दोबारा से दिखाता हूँ आपको सिलाई करके कितनी गड़बड़ कर रही है सिलाई मशीन। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए गौर से, ये देखिए दाना दिखाई दे रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए सिलाई मशीन में। ये गलत सिलाई है, सही नहीं है। मैं आपको सही करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको सिलाई मशीन को। ठीक, इसको बाहर निकाल लेंगे, जो नीचे की डिब्बी है शटल, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये नीचे जो है ना, नीचे तो लाल धागा लगाया हुआ है हमने और ऊपर जो है सफ़ेद लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है ये देख लेंगे धागा हमारा ढीला आ रहा है, इसकी सफाई करेंगे और फिर धागे की सेटिंग करेंगे। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। इसको धागे को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर जो है ना गर्दा जमा होता है, जब सिलाई करते रहते हैं ना डेली, तो इसमें गर्दा जमा हो जाता है। ये नट खोल लेंगे पहले सबसे। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्प्रिंग है ये भी बाहर निकाल लेंगे, और इसके पीछे जो है ना दो ये थाली सी होती है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, और इसको सफाई करेंगे, इसका जो है ना ये नट, इसको जो है अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसको टेंशन बोलते हैं, इसको साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा जो धागा जो टाइट भी करे ना तो लूज ना हो, अच्छे से टाइट रहे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और एक जो, तो दोस्तों ये जो थाली होती है ना टेंशन की, दोनों इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना गर्दा जमा होता है, इसी वजह से जो है धागा टाइट नहीं हो पाता। इसको दोनों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे कपड़े से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इसको लगाएंगे कैसे, देखिए लगाते कैसे। सबसे पहले जो है ना इसको एक थाली डालेंगे टेंशन की ऐसे, और दूसरे वाली ऐसे डालेंगे उल्टी। ठीक है, ये डल गई, और फिर इसका जो है स्प्रिंग लगाएंगे और ये टेंशन, इसमें से धागा जो है ना वो अच्छे से निकलेगा। अब ये नहीं होना कि हम धागा टाइट कर रहे हो, धागा टाइट नहीं हो रहा, इसकी बहुत बड़ी कमी होती है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं, A4 आरिफ चैनल है। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, ये देखें दोस्तों, ये देखिए इसमें दोस्तों जो डिब्बी है ना शटल डिब्बी, इसमें जो है धागा बहुत टाइट निकल रहा है। इसे ऐसे खींच के देखेंगे तो धागा बहुत टाइट निकल रहा है। इसके ऊपर जो पिंच होता है ना, इसको थोड़ा सा लूज कर लेंगे और धागा जो है मुलायम निकलना चाहिए। चेक करेंगे, अब भी टाइट है। जैसा धागा ऊपर का आता है ना मुलायम, ऐसे ही नीचे से आना चाहिए। अच्छे से सेटिंग कर लेंगे इसकी, अगर जो ज़्यादा लूज है तो टाइट कर लेंगे। ये देखिए अब धागा जो है हमारा सही निकल रहा है आसानी से। ठीक है दोस्तों, इसकी सेटिंग अच्छे से हो गई। तो दोस्तों अब इसको लगाएंगे डब्बी को, इसको लगा लेंगे, इसकी जो धागे की सेटिंग है वो तो हो गई हमारी। तो दोस्तों अब जो है ऊपर का धागा डालेंगे हम, और ऊपर का धागा भी चेक करेंगे। ये ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। जैसा धागा नीचे का मुलायम है ना, ऐसे ही ऊपर का होना चाहिए, तभी सिलाई अच्छी आएगी हमारी। ये हो गया, और अब धागा डालेंगे। धागा डाल के नीचे का धागा खींचते ऊपर, ये देखिए ये दोनों धागे ऐसे मुलायम से निकलने चाहिए, तभी सिलाई अच्छी आएगी सिलाई मशीन की। अब इसकी सिलाई चेक करते हैं दोस्तों, ये कपड़ा लगाएंगे, अब सिलाई देखते हैं इसकी। ये देखिए दोस्तों गौर से, ये देखना, ये अब की सिलाई है और ये पहले वाली सिलाई है। देखिए कितना फ़र्क है, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको ऐसे घुमा के कपड़े को। ये देखो दोस्तों, ये देखिए, ये अब की सिलाई और ये पहली सिलाई, इसमें कहीं भी आपको ऊपर का धागा नीचे नहीं दिखाई देने का। और ये पहले वाली जो सेटिंग ख़राब थी वो हमने सही कर दिया है दोस्तों। स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों। मैं आपको कहता हूँ, अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती है ना सिलाई मशीन की, जो मैं सर्विस करके दिखाता हूँ आपको, तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो दोस्तों। आपके जो भी फ्रेंड है, जो भी घर में फैमिली वाले, जो भी रिश्तेदार है, आप मेरी वीडियो को उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें।